सबकी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि तीन दिनों तक जो सर्वे हुआ उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो महाभारत में जैसे संजय थे वैसे ही हमारे साथ इस पूरे सर्वे के दो किरदार हैं, विभास दुबे जी हैं और गणेश शर्मा जी हैं। तो आज इन दोनों की जुबानी हम जानेंगे कि आखिर तीन दिनों तक जो पूरे देश की नज़रें इस बात पर थी कि आखिर अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम महाभारत के संजय की तरह इन दोनों से जानना चाहेंगे। दुबे जी, आप BHU से पढ़े लिखे हैं, हमारे एक मित्र के मित्र भी हैं आप, तो आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं, ये आपका पहली बार इस तरह का अनुभव रहा होगा जो अब तीन दिनों में जो हुआ, क्या क्या सर्वे के दौरान क्या क्या आपने देखा, उस अपनी आँखों से क्या पाया आप? देखिए, ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते हम लोग कि हम लोगों ने क्या पाया। हाँ, हम ये साझा ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोगों ने काम कैसे किया, अनुभव की बात कर सकते हैं। अनुभव चूँकि अभी तक का इवेंट्स का अनुभव रहा है, वेडिंग्स का अनुभव रहा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोगों को करना था, हम लोगों को जिम्मेदारी मिली। लोग ये कहते हैं ना कि अंदर तहखाना था, फिर उसके ऊपर मंजिल थी, तालाब है, तीन तीन गुंबद थी, तो अंधेरा रहा होगा, उसमें कैसे शूट किया आपने? तो लाइट थी, इतनी पर्याप्त लाइट हम लोग लेके गए थे कि हम वहाँ का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो चीज़ें हम लोग अपने साथ लेके गए थे उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था, जो इक्विपमेंट्स थे। लाइट हम लोगों ने ढेर सारी ली थी वहाँ पे, कि अगर ज़रूरत पड़े लाइट दिन करना हो तो दिन कर सकते थे, इतनी लाइट लेके गए थे, इतने इक्विपमेंट। आपने वीडियो भी बनाए और फोटोग्राफ्स भी लिए? जी, फोटो वीडियो दोनों किए हैं। तो कितने घंटे का वीडियोग्राफी आपने की होगी? अब देखिए, ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, वो कंप्यूटर पे गया नहीं इसलिए देख नहीं सकते हैं। सीधा रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड होने के बाद वो सारी चीज़ें जमा हो गई। तो अब चूँकि लगभग 8 के आसपास मेमोरी कार्ड्स हम लोगों ने दिए हैं फोटोग्राफी के, जी, अच्छा। तो उसमें फ़ोटो वीडियोस दोनों हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पर कमिश्नर को दिखा के कोई आकृति है, तो आप लोग एकदम जूम इन करके उसको देखते थे क्या? जी, उसको जैसे जिस हर एंगल से ले रहे थे, कोई एंगल ऐसा ना रहे, मतलब हम लोगों के काम की वजह से कोई चीज़ें दिक्कतें ना हो। तो जैसे मस्जिद के ऊपर में तीन गुम्बद है, एक सेंटर है, एक बाएं और दाएं है, तो उसके छत के ऊपर भी गए थे आप? हाँ, मीनार पे भी चढ़ के कुछ चीज़ें की हैं, और बाकी जहाँ जहाँ कमीशन लेके गया है वहाँ वहाँ सब जगह शूट किए हैं हम लोग। गणेश जी, ये जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, तो वो प्रमाण क्या आपके कैमरे में भी दर्ज हुए हैं? देखिए, जो याचिका दायर की गई है, जो विवाद है, उसमें उन लोगों ने यह कहा है कि अंदर मंदिर है, मंदिर के साक्ष्य हैं, इसके पहले भी कमीशन हो चुका है, तो जो चीज़ें हैं वो पहले से भी विद्यमान है, हम उसमें यह नहीं कह सकते कि जो है आज उसमें से कुछ बदलाव हुआ है। ये जो तालाब उर्फ टैंक नुमा जिसको वजू खाना करते हैं, लोग वजू के लिए जाते हैं, पिछले दो दिन से हम उसी की चर्चा सुन रहे हैं, तो वो तो बाहर है, तो उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्या किस तरीके से की आपने? देखिए, मुझे ये बताया गया था कि एक आपको अंडर वाटर कैमरा लेके आना है कि पानी के अंदर भी डाल के रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, पर उसकी नौबत नहीं आई और प्रशासन ने जल खाली करा के, पानी खाली करा के वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए थे, हम लोग उसका उपयोग करके वहाँ जाके शूट किए, पानी काफ़ी हद तक खाली करा दिया गया था। तो ये सारे फोटोग्राफ जो हैं वो कलर्ड हैं या कुछ ब्लैक एंड वाइट भी हैं? नहीं, हम लोगों ने सारे कलर्ड फोटो और वीडियो सारा कुछ कलर्ड ही किया है। ब्लैक एंड वाइट तो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू किया जा सकता है, पहले ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो उसको कलर करने की आवश्यकता होगी, हो नहीं पाएगा, इसलिए सारा कुछ कलर किया गया है। और ये जो तहखाने की बात कही जा रही थी कि उसमें 4-5 कमरे हैं, तो उसको क्या वीडियोग्राफी आपने इस तरीके से किया कि पूरा पैनोरामिक व्यू मिले? मेरे पास अल्ट्रा वाइड लेंस मैं लेके गया था, और जहाँ जहाँ अंदर जो है जितना वाइडली कैप्चर करना था हमने वाइडली कैप्चर किया है। पहले ऐसी जो तस्वीरें हैं वो वाइड शूट नहीं हुआ था, हमने उससे भी वाइड शूट करके दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये फाउंटेन का हिस्सा है और हिंदू पक्ष का दावा है वो शिवलिंग है, तो फोटोग्राफी से कैसे पता चलेगा? सर देखिए, फोटोग्राफी से पता करके भी क्या कर पाएंगे जब तक अदालत में साबित नहीं होगा। फोटोग्राफी में अगर साबित हो जाएगी तो क्या कोई मान लेगा? अदालत का फैसला आएगा, अदालत बोलेगी। हो सकता है और विशिष्ट जानकारी वाले लोगों को बुलाया जाए, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, वो बताएंगे, या उसकी हो सकता है और गहन जांच होगी तब बताएंगे। फोटोग्राफी में कोई बोल देगा कि ये है तो कैसे कोई साबित हो जाए, कैसे कोई मानेगा? तो आप लोग कैसे कहते थे, वो आपके जो तीन कोर्ट कमिश्नर थे, विशाल सिंह, अजय मिश्रा, अजय प्रताप,
तो वो क्या कहते थे कि फलानी चीज़ की आप फोटोग्राफी ले, तभी आप लोग करते थे? हाँ, जो वो बोलते थे वही करते थे, अपने मन से कुछ नहीं। जैसे किसी वादी या प्रतिवादी ने कहा? नहीं, तो वो सामने खड़े रहते थे, जो सामने खड़े हैं, टीम तो सामने खड़ी है। जैसे अभी मुझे किसी प्रतिवादी ने कहा कि आप इनका शूट कर लीजिए, तो हम कमिश्नर महोदय को बोलते थे कि ये शूट करने के लिए बोल रहे हैं, वो आज्ञा देते थे कि शूट कर लीजिए, वो शूट करते थे और नोट करते थे कि हाँ ये चीज़ शूट हुआ, ये फला चीज़ शूट हुआ, और उसको नोट डाउन किया जाता था। हमने जो जिन लोगों ने भी कहा शूट करने के लिए, तो कमिश्नर महोदय की आज्ञा से ही सारा शूट हुआ। तो गणेश जी और विवास भाई, इन दोनों ने पूरे 3 दिन तक जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के मुताबिक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 दिनों तक जो कुछ हुआ वो इनकी नज़रों से कैद हुआ है। फैजल के साथ पंकज झा, ABP न्यूज़, वाराणसी।